तो अपने लास्ट टाइम पढ़ लिया था कि वेव की इक्वेशन क्या है, ठीक है, और सब चीजें पढ़ ली थी हम लोगों ने। तो अब जो आप पढ़ रहे हैं इसमें एक है बाउंड्री इफेक्ट पढ़ते हैं। जैसे मान लो ये कोई फिक्स्ड एंड है, मान लो कोई दीवार मान लो ऐसे, ठीक है, और अपने पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ऐसे स्ट्रिंग है अपने पास, इस तरह से फ्री एंड है, इधर दीवार है, फिक्स्ड है। अब आप क्या कर रहे हैं बेटा, इसके अंदर एक वेव पास कर रहे हैं। मान लो एक वेव ऐसे मैंने जनरेट की यहाँ पे, एक वेव पल्स जनरेट की, यहाँ गई, तो यहाँ टकराने के बाद क्या होगा बेटा, बोलो। टकराने के बाद क्या होगा बोलो, जो ये एंड देख रहे हो बेटा आप, ये वाला जो कोने वाला एंड है, क्या ये ऊपर उठ पाएगा जो फिक्स्ड है यहाँ पे? नो सर। तो यहाँ पे कभी उठ ही नहीं पाएगा, तो ये तो एनर्जी है, क्या कहेगी, तो उठ भाई, लेकिन उठेगा नहीं भाई साहब, क्योंकि ये फिक्स्ड है बेटा। तो ये फिक्स्ड है, तो टकराने के बाद जो वेव जाएगी ना बेटा, वो कैसे जाएगी, सुनो। ये तो भाई साहब मैं तो कहता, मैं तो हिलता नहीं भाई साहब, तो क्या करेगा, ऐसे वेव है ना, ऐसे पलट देगा वेव को, और वेव ऐसे जाएगी बेटा। बात समझ में आ गई? तुमने शायद पढ़ा हुआ, रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ, लाइट आती है, टकराती है और जाती है बेटा, ठीक है। वैसे ही क्या हो रहा है बेटा, वेव आ रही है यहाँ पे, आ रही है और टकरा किससे रही है, फिक्स्ड एंड से, किससे, फिक्स्ड एंड से टकरा रही है। तो क्या हो रहा है, जो क्रश था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, बोलो भाई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, बोलो। ठीक है, तो तुम्हें पता होगा, जैसे मान लो तुम्हें फेज की बात करें, अगर कोई ऐसे है मेरे पास और एक ऐसे ग्राफ है, एक बंदा यहाँ पे है मैक्सिमम पे, एक बंदा यहाँ पे ऐसे, दोनों में कितना एंगल का फर्क है, ये कितना होता है बताओ, 90, ये भी कितना, 90, तो टोटल कितना एंगल फर्क होगा बेटा, 180 का फर्क आ गया बेटा, मानते हो? Yes. तो जब भी कोई वेव टकराएगी किसी फिक्स्ड एंड से, तो वेव में क्या फर्क पड़ेगा, वेव में क्या होगा, फेज चेंज आएगा, कितने का आएगा, 180 क्या बोलते हैं बेटा, पाई बोलते हैं, मानते हो? अरे हाँ ना, तो बोलो। Yes, sir. तो मुश्किल काम तो नहीं है, आ गया सबको समझ, बोलो भाई पापियों। अरे तो नेक्स्ट सवाल पूछ रहा हूँ तुमसे मैं, अगर मान लो जैसे मेरे पास ये एक रॉड सी, मान लो ये रॉड है, और इसके ऊपर एक अपने मान लो ऐसे कोई प्लेट लगा दी, और ये प्लेट मूवेबल है इस रॉड पे, और आपने क्या किया यहाँ पे ना ऐसे, इसके ऊपर बांध दी रस्सी ऐसे इस प्लेट कोने पे, ठीक है, और अब क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे एक वेव जनरेट की, यहाँ पे एक वेव जनरेट की, अब मैंने इसको पास की वेव ऐसे ना यहाँ पे पास किया, अब ये जब ये यहाँ पहुंचेगी इस कोने पे, तो ये एंड फिक्स्ड है, मूवेबल है, मूवेबल है, मूवेबल है, तो क्या ये ऊपर जा पाएगा बेटा, मानते हो? यस सर। तो क्या अब फेज का चेंज आएगा? नो। तो अब क्या होगा, वेव टकराएगी, टकराने के बाद उसी सेम फेज में वापस चली जाएगी। तो तुम्हें मैं क्या सिखा रहा हूं कि अगर मेरा एंड फिक्स्ड हो ना बेटा, तो फेज का चेंज आएगा वेव में, कितने का, पाई का आएगा। अब फेज चेंज समझते हो, मान लो वेव की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू मान लो a साइन ओमेगा t माइनस के x थी बेटा, मान लो जाती हुई वेव की इक्वेशन क्या थी, ये थी। अब वापस जो टकरा के आएगी उसकी इक्वेशन में क्या करोगे आप, फेज मतलब समझते हो, फेज क्या होता है, जो साइन के अंदर एंगल लिखा होता है, अब इसमें चेंज कितने का है,
पाई का आया, तो जो जाती हुई वेव है मेरे पास उसकी क्वेश्चन क्या बन जाएगी बोलो, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बन जाएगा बेटा, मानते हो? हाँ ना बोलो, प्राण निकल गए तुम्हारे? ना सर, नहीं है समझ में ना। देख बेटा, फेज मतलब होता क्या है, फेज एक एंगल होता है, फेज क्या है, एक एंगल है। एंगल किस में लिखते हैं बताओ, साइन और कॉस के अंदर लिखते हैं बेटा, मानते हो? तो जब ये वेव जा रही थी, मान लो इसकी इक्वेशन ये थी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसकी इक्वेशन ये थी, तो जब वो वापस टकरा के वापस जा रही, क्या बदलता है? सिर्फ फेज बदलता है बेटा, मानते हैं, बाकी सब सेम रहेगा। तो एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा, ओमेगा भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बट चेंज क्या आएगा? फेज। फेज मतलब क्या होता है, जो अंदर लिखा है ना, साइन के अंदर जो लिखा है वो फेज एंगल होता है। तो उसमें चेंज कितना आया? पाई का। तो मैंने क्या किया, उसमें पाई ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो बेस्ड अपॉन, ठीक है, जो भी कंडीशन दे रखी होगी। चमका? यस सर। ठीक है, तो ये तुम्हें समझ में आ गया। अब तुम्हें बताया था मैंने स्टेशनरी वेव, याद है कुछ स्टेशनरी वेव की कहानी सुनी थी हम लोगों ने, और तुम्हें कहा था तुम पढ़ के आना साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला, पढ़ के आया कुछ? नहीं पढ़ के आए, पक्की बात, तुम्हारी शक्ल आ रही है। चलो, स्टेशनरी वेव क्या होता है बोलो, दो वेव है मान लो, एक वेव इधर से आ रही है ऐसे, एक वेव इधर से आ रही है ऐसे, इन दोनों वेव के क्या क्या सेम होना चाहिए? इनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। दोनों का क्या होगा, एम्पलीट्यूड भी सेम, फ्रीक्वेंसी भी सेम, स्पीड भी सेम, सब कुछ सेम है, मतलब मुद्दे की बात है, बट फर्क क्या है बताओ? एक इधर जा रही है, एक इधर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में दो वेव है जिनका सब कुछ सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है बेटा, ठीक है, स्पीड भी सेम है। जब ये वेव आपस में टकराएंगी यानी सुपर इम्पोज करेंगी, तब जो वेव बनेगी मेरे पास उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेशनरी वेव। तो एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, स्पीड सेम होनी चाहिए, बट फर्क क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट। जब ये सुपर इम्पोज करें मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे, तब जो वेव प्रकट होगी हमारे पास उसे क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेशनरी वेव। चमका बोलो पापियों। यस सर। चलो अब इसकी कंडीशन आती है बेटा, देखो सुनो, अब तुम्हें लग रहा है कि ये वेव हमेशा ऊपर रहेगी, नहीं ऐसा नहीं है। मान ले एक बंदा कह रहा है कि पहली वेव कह रही है पार्टिकल तू ऊपर जा ए से, ठीक है जी, और दूसरी वेव कह रही है इसी पार्टिकल तू नीचे जा भाई ए से, तो ये पार्टिकल क्या करेगा? कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, यही रह जाएगा, सिंपल सी बात है। और अगर मान लो पहली वेव कह रही तू ऊपर जा ए से, दूसरी भी कह रही तू जा ऊपर ए से, तो कहाँ जाएगा ये? ऊपर। कितने से? 2a से बेटा, मानते हो 2a, ठीक है। तो बेटा जो ये पहला वाला केस है मेरे पास, जब दोनों अपोज कर रहे हैं बिल्कुल ए ए वाले, ये कहीं नहीं जा रहा, इसको नाम देते हैं नोड, क्या नाम देते हैं? और जब मैक्सिमम, देखो 2a मैक्सिमम बेटा, मानते हो a प्लस ए 2a मैक्सिमम है, इसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, एंटी नोड। बात समझ में आ रही है? हाँ ना बोलो। तो वो पॉइंट जिस पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो, वो पॉइंट जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा बेटा, उसे क्या बोलते हैं, एंटी नोड। और वो पॉइंट जहां पे मिनिमम एम्पलीट्यूड आएगा, मतलब क्या जीरो आएगा, उसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, नोड। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अब ये निकालें कि कहां कहां पे भाई नोड बनेगा, कहां कहां पे एंटी नोड बनेगा, उसके थोड़ा सा गणित है, थोड़ा सा गणित करा दो, गणित थोड़ा सा करवाना ही पड़ेगा मास्टर। चलो सुनो, मान लो जो ये वेव आ रही थी अपने पास ऐसे वाली वेव, इसकी इक्वेशन थी y1 इज इक्वल टू ए साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है बेटा, इसकी इक्वेशन ये थी। अब दूसरी वाली जो वेव यहां से आ रही है उसकी क्या होगी बोलो, y2 इज इक्वल टू, तुम खुद बोलो, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, बताया था ना भाई, अरे क्या बताया था, अगर साइन नेगेटिव हो बीच में तो इधर जाती है, इस तरफ जाती है, और अगर पॉजिटिव तो इस तरफ, ठीक है जी। तो हमारा जो y नेट आएगा वो क्या आएगा बोलो, सुपर पोजिशन बताया था ना, भूल जाते तुम सारे गजनी एक नंबर के। ये देखिए कल कल ही कराया हुआ है, शायद कल ही रहा था मैंने, वाई नेट इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, चमका, पता नहीं मुझे लगा मैं खुद ही सीख रहा हूँ भाई, मैं नहीं पढ़ा रहा भाई। यस सर, तुम बिना रूस से मानते नहीं हो, ठीक है जी। चलो ए वन सॉरी ए वन की बोल रहा हूँ, ए वाई वन की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस क्या करना है, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, चमका बेटा। अब तुम्हें ए तो कॉमन नहीं आएगा, तुम्हारा फेवरेट काम ये वाई नेट निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, वाई नेट। तो वाई नेट में ए कॉमन आ गया। अब जो मैथ्स पढ़ते हैं उनको तो चांदी है, ठीक है, जो नहीं पढ़ते बता देता हूँ, सुनो, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया बायो वालों, अब तुम्हारे प्राण निकलने वाले हैं बायो वालों, सुन लो। तो एक फॉर्मूला होता है बेटा, सुनो बायो वालों, मैथ्स वालों आता ही पक्की बात है, इसको बेटा आप क्या मान रहे हैं, छोटा ए मान रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं आप, मैंने दोनों में सेम लिख दिया प्लस आएगा ना, ठीक, और इसे क्या मान लेंगे ए, इसे क्या मान लेंगे छोटा बी। तो अगर ढंग से देखो तो ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, साइन ऑफ ए माइनस बी प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी, बेटा मानते हो, अरे हाँ ना बोलो, यस सर। अब बाय वाला तुम फट्टा मार लो, मैथ्स वाला तो आता ही होता है, ठीक है, इन दोनों का सम जो आता है बेटा मेरे पास वो आता है टू टाइम्स साइन ए कॉस बी, मैथ्स वाला तुम्हें आता ही नहीं आता बोलो, ये मैथ्स वाले नहीं बोल पा रहे भाई, गॉड सांप सुन गया इनको, चलो कोई नहीं। तो बेटा देखो सुनो, ए तो है ही, टू भी आ गया साथ में, अब छोटा ए कौन सा है बताओ इसमें, ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी आ गया, और छोटा बी क्या है, वेरी गुड, कितने अशार बच्चे मेरे, तो ये वाई नेट आ गया मेरे पास, ठीक है जी, समझ में आया भाई, मैथ्स वालों मैं एक तो कहता फॉर्मूला ये वाला, सर अभी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, ओ भाई गॉड, तुम्हारी ग्यारहवीं ट्रिग्नोमेट्री है या नहीं है, सर है सर, लास्ट चैप्टर रहता है ये, मैं तुम कब करोगे, अगले साल करोगे, चलो कोई ना सर, चलो टू साइन टू ए साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, ठीक है। अब बसंती है बसंता, स्कूल नहीं खुलते अभी, नहीं खुलते बेटा शायद तक, तो अब देखो बेटा ये मेरा दोनों वेव इसी पे चल रही है लाइन पे, तो मुझे वो बता लाना है किस एक्स पे नोड बनेगा और किस एक्स पे एंटी नोड बनेगा, तो इसे ऐसे लिख लूं, देखो बेटा मैं टू ए कॉस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी लिख लो बेटा, कोई पाप तो नहीं है, बोलो पापियों, वैसे ही पढ़ा रहने देते सर, नहीं बता रहा हूँ रीजन है इसके पीछे से। देख बेटा अगर वो एक्स जिस पे ये वाले टर्म जीरो हो जाए, मान ले वो एक्स जिस पे ये वाले टर्म जीरो हो जाए, तो वाई नेट क्या आएगा, अगर कॉस के एक्स जीरो हो गया तो पूरी टर्म क्या बन जाएगी, वाई नेट जीरो, वेरी गुड, रॉकेट साइंस, ये भी बड़ा देखो टू ए इंटू जीरो साइन ओमेगा टी, तो बेटा अगर ये टर्म जीरो हो गई तो टाइम चाहे कुछ भी हो जीरो इंटू समथिंग क्या होगा,
हाँ तो इसका मतलब कुछ भी हो जाए वो वाले पॉइंट हमेशा कैसे रहेंगे, रेस्ट पे रहेंगे बेटा, मानते हो? किसी भी टाइम पे, जब तुम लोग हो, जब भी तुम्हें फोन कर लो, कुछ भी कर लो, तुम वेले होते हो तुम लोग, ठीक है जी। वैसे ये क्या है, ये पॉइंट जहां पे बेसिकली जहां पे के मतलब कॉस के एक्स जीरो आएगा, वो वाले पॉइंट कैसे रहेंगे, रेस्ट पे रहेंगे हमेशा, मानते हो? ओ भाई गॉड, अब पता लगा देते हैं कॉस के एक्स जीरो कब होता है, पता लगाते हैं कॉस के एक्स कब जीरो होता है। तो कॉस का ग्राफ याद है, कभी कराया हो मैथ्स में? ना याद ही नहीं। ये होता है कॉस का ग्राफ, मुझे सब कुछ सिखाना पड़ता है भाई साहब, क्या करें। चलो आपको जीरो कब नजर आ रहा है बेटा, अभी ये भी मार्क करना पड़ेगा, जीरो कहाँ कहाँ पे, और बाय गॉड ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, बात समझ में आ रही है? बोलो पापियों। अब बेटा देख ध्यान रखना, ये पूरा जो बनाते ल्यूब बनाते ना बेटा, बेसिकली ये होता है पूरा पाई का, और जो आधा होता है वो कितने का होता है, ऑब्वियसली बात है पाई बाई टू। तो बसंती ने बसंताज, ये पॉइंट कितना हो गया, पाई बाई टू। इसमें क्या जोड़ दूं मैं, ये ल्यूब की लेंथ कितनी है बेटा, पाई। तो ये क्या आ गया बोलो, 3π/2। फिर पाई जोड़ दो तो क्या आएगा बोलो, 5π/2। फिर पाई जोड़ दो तो क्या आएगा मेरे पास, 7π/2। एंड सो ऑन, चलता रहे कार्यक्रम बेटा, मानते हो? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अब इसको लिखें कैसे, देखें ये है पाई बाई टू, ये है 3π/2, ये है 5π/2, ये है 7π/2। तो 1357 आ रहा है बेटा, मानते हो? 1357 यही आ रहा है ना, 1 × π/2, 3 × π/2, 5 × π/2, 7 × π/2। तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, पा जब के एक्स की वैल्यू क्या होगी, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ऑड कैसे लिखते हैं आपा, 2n+1। ये क्या कर रहा है मास्टर, सुन, n को जीरो पुट करो बेटा, क्या आएगा बोलो, इसमें n को जीरो पुट करो तो क्या आएगा, 1 आएगा बेटा, मानते हो? और n को 1 पुट कर तो क्या आएगा, 3। हाँ तो n को 2 पुट कर तो क्या आएगा, 5। हाँ तो ये सारा केस बन रहे हैं बेटा, मानते हो? तो ऑड के लिए ये टर्म लिखते हैं, ऑड के लिए अपन ये लिखते हैं कि 2n+1। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बोलो पापियों। यस सर, यस, चलो, यस सर, मुझे लग रहा है मैं खुद ही सीख गया। चलो kx = क्या आ गया मेरे पास, ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2। अब बताओ k का फॉर्मूला क्या था बोलो बसंतीस, 2π/λ। वेरी गुड, किसी बच्चे को तो याद है 2π/λ × x = क्या आ गया, ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2। अब तुम्हारा फेवरेट काम काटने पीटने, कुछ कट रहा है क्या, पाई कट रहा है बस, ठीक है जी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ऑड तो ये है ही, इनटू क्या आ गया बोलो बोलो, लैम्डा बाय 4। नहीं आया ना, आ गया सर, ठीक है। तो n को जीरो पुट करो, वैल्यू क्या आएगी बोलो, लैम्डा बाय फोर। अच्छा 1 पुट करो तो 3λ/4। और 2 पुट करो तो 5, 3, 5। सर क्या कर रहा है मास्टर, पागल हो गया सर। तो मुद्दे की बात क्या है, अपने पता लग गया कि जहां पे जो पार्टिकल हमेशा सोते रहेंगे, जो पार्टिकल हमेशा सोते रहेंगे मतलब जिनका कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वो कहाँ कहाँ बनेंगे बोलो। पहला कहाँ बनेगा, लैम्डा बाय फोर। दूसरा कहाँ बनेगा, 3λ/4। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो पापियों। ये बनेगा 3λ/4 पे, फिर नेक्स्ट जो सो रहा है वो कहाँ बनेगा, 5λ/4 पे, फिर जो सो रहा है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 7λ/4। ये पार्टिकल हमेशा रेस्ट रहेंगे बेटा, मानते हो? यस सर, ठीक है। तो इनको नाम क्या दिया गया, नोड। क्या नाम दिया गया, नोड। अब बेटा ये बताओ, दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच की दूरी क्या है, इन दोनों के बीच दूरी कितनी है,
इन दोनों के बीच दूरी कितनी है बताओ फटाफट बोलो। लैम्डा बाय फोर। ना ये कितना है, थ्री लैम्डा बाय फोर बेटा मानते हो? टू लैम्डा बाय फोर। लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू ही बोल देना यार। तो लैम्डा बाय फोर आ गया, तो ये आ गया टू लैम्डा बाय फोर, यानी क्या आ गया लैम्डा बाय टू। तो दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? लैम्डा बाय टू। क्या कहलाएगी? लैम्डा बाय टू। चमका या प्राण निकल गए? आ गया सर। आ गया तो बहुत अच्छी बात है भाई। कितने लोगों का ईमानदारी से बोलो? आ गया सर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब तक की कहानी मैंने क्या सुनाई आपको कि दो वेव आई टकराई, दो वेव। हाँ रमन बेटा बोल, रमन बोल। दो दो रमन कैसे आ रहे हो भाई? सर मेरा नहीं आई है, किसी और का है। ठीक है इसको बाहर निकालते हैं। रमन नाम से रोज बच्चा आता है, परेशान करता है। तेरा दोस्त होगा पक्की बात है। चलो कोई नहीं। तो बेटा दो वेव थी जिनके एम्पलीट्यूड सेम थे, ठीक है, जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम थी और जिनकी स्पीड सेम थी, वो कहाँ रही थी? अपोजिट डायरेक्शन में। उनके मिलने से क्या मिला हमारे को? कुछ जगह नोड मिलेगा, कुछ जगह क्या मिलेगा? एंटी नोड। नोड क्या होता है बताओ, कौन सी जगह जहां पे एम्पलीट्यूड क्या है? जीरो। जीरो है। और एंटी नोड पे मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या सिर्फ दो ही चीज बनेंगे क्या? सिर्फ नोड बनेगा और सिर्फ एंटी नोड बनेगा या कुछ और भी बनेगा? कुछ और भी बनेगा शायद। हाँ शायद नहीं, पक्का बनेगा। सुन इधर देख, ऐसे बनता है, देख सुन बताता हूँ। कुछ पॉइंट हमेशा, जैसे मान लो ये है, ऐसे बन रहा है, ठीक है जी, ऐसे बनता है। कुछ पॉइंट का जो ये वाला पॉइंट कैसा है, नोड है, हमेशा यहीं पर रहेगा। ये वाला पॉइंट एम्पलीट्यूड इसका कितना, टू ए है। कुछ एक का क्या रहेगा, कुछ एक का एम्पलीट्यूड ये रहेगा। तो पता ये वाला पार्टिकल कर क्या रहा, देखो ये व्हाइट वाला पार्टिकल कर रहा है बेटा, एसटीएम कर रहा है, वो ऊपर गया ऐसे, फिर मीन पोजिशन पे आया, फिर नीचे गया। तो ये वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, एसटीएम कर रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड क्या कुछ है, कुछ मतलब क्या है, जीरो से लेके टू ए के बीच कुछ भी वैल्यू आती है, ठीक है जी। ऐसे ही नेक्स्ट पार्टिकल जो है वो भी क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है। और जो ये वाला एंटी नोड वाला, वो क्या कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड कितना है, टू ए। तो ऐसे सारे पार्टिकल मिलेंगे जिनका कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा, वो सब क्या करेंगे, एसएचएम करेंगे, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, नोड को छोड़ दो, बाकी सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं, लेकिन सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। बात समझ में आ रही है? हाँ ना बोलो। yes. अब इसे पता स्टेशनरी वेव क्यों बोलते हैं? सुनो, स्टेशनरी वेव इसलिए बोलते हैं कि देख, दो नोड देख, ये वाला नोड देख, ये वाला नोड देख, क्या कभी नोड हिल रहे हैं? मूव करेंगे नहीं, तो हमें लगता है कि एनर्जी यही इनके बीच में ही है, ठीक है जी। अब ये नोड देख, ये दोनों नोड देख, एनर्जी इनके बीच में ही है बेटा, मानते हो? क्या कभी इधर जा पाएगी एनर्जी, जब वो हिल ही नहीं रहा भाई साहब ये पार्टिकल? तो एनर्जी कैसी है, वेल कन्फाइंड है दो पॉइंट के बीच में बेटा, मानते हो? yes, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वेव। समझ में आया कुछ कुछ? बोलो पापियों। yes, ठीक है। अभी हमने क्या निकाला है, कहां पे नोड बनेंगे, अब क्या निकालें, कहां पे एंटी नोड बनेंगे। अब देखो जो फॉर्मूला था मेरे पास बेटा, ये वाला मेरा फॉर्मूला था वाई नेट का। वाई नेट के लिए अगर मैं चाहता हूं, मुझे नोड क्या बनाना है, एंटी नोड बनाना है, तो एंटी नोड के लिए मुझे क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड क्या चाहिए, 2a चाहिए बेटा, मानते हो? yes, ये 2a कब बनेगा, जब cos kx की वैल्यू क्या हो, 1, जब 0 से क्या बन गया था, नोड। जब ये वैल्यू 1 आएगी तो क्या बन जाएगा, एंटी नोड, एंटी नोड। तो हमें वो x की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए cos kx क्या हो जाए, 1 हो जाए।
अब फिर से उसी ग्राफ पे आए पापियों, सुनो अब तुम खुद बताओगे मेरे को, मैं नहीं बताऊंगा, सुनो। दो चार वैल्यू बता देना मेरे को, सिर्फ वन चाहिए माइनस वन अलाउड है, बोलो। सिर्फ वन चाहिए माइनस वन भी अलाउड है, बोलो। दोनों अलाउड है बेटा। अगर क्या सिर्फ पार्टिकल ऊपर ही जाएगा क्या नीचे? देखो तुम्हें दो दिखाए थे मैंने, देखो ये देखो इसको देखो, ये भी क्या है एंटी नोड बेटा मानते हो, और ये भी क्या है बोलो पापियों, ये भी क्या है एंटी नोड। तो बेटा हमें कॉस के एक्स के दोनों चाहिए, प्लस वन भी चाहिए और माइनस वन भी चाहिए। जिनकी माइनस वन आएगा उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा? माइनस टू ए, और जिनका प्लस वन आएगा उनका क्या होगा? प्लस टू ए। चमका? अच्छा अब सुनो, मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूँ जहां जहां पे वन और माइनस वन है, तुम्हें बताना है कि उसकी वैल्यू क्या है। ये वन है बेटा मानते हो, ये माइनस वन, ये वन, ये माइनस वन, ये वन, ऐसे बेटा मानते हो। तो बेटा अब बताओ ये वैल्यू जीरो पे बेटा मानते हो, ये जीरो पे है, ये किस पे बताओ? पाई हो गया, ठीक है, क्योंकि ये पूरा क्या बनता है मेरा, पाई बनता है बेटा मानते हो, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ बन रहा है बोलो? टू पाई। टू पाई। नेक्स्ट कहाँ पे है? थ्री पाई। थ्री पाई। फिर नेक्स्ट कहाँ पे है? फोर पाई। चार पाई बोले से, ठंड भी बहुत है सो जाएंगे, चार पाई। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो मुझे पता लग गया कि वैल्यू कहाँ कहाँ पे आ रही है, जीरो पे, पाई पे, टू पाई, थ्री पाई, चार पाई और पांच पाई, छह पाई। बेटा मान कैसे आएगा बेटा? तो इसे कैसे लिखें हम लोग? के एक्स को क्या लिखें? आप एन पाई लिख दें, एन स्टार्ट फ्रॉम जीरो, एन की वैल्यू क्या है? जीरो, वन, टू, थ्री, फोर कर दें भाई। हाँ ना बोलो? यस सर। तो के एक्स की वैल्यू एन पाई आ गई, तो के का फॉर्मूला क्या था बोलो? टू पाई बाय लैम्डा। टू पाई बाय लैम्डा, गुड, शाबाश। 2 पाई बाय लैम्डा इनटू एक्स इज इक्वल टू क्या था? एन पाई। अब तुम्हारा फेवरेट काम काटने का, काटो। तो वैल्यू क्या आ गई बेटा बोलो? एन इनटू लैम्डा बाय 2। अच्छा इसका मतलब नोड का एंट्री नोड कहाँ कहाँ बनेगा बोलो? एन को जीरो पुट करो कहाँ बनेगा? अरे एन को जीरो पुट किया तो क्या बनेगा? एक्स की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। एन को वन पुट कर, लैम्डा बाय टू। टू पुट करोगे तो लैम्डा, थ्री पुट करोगे तो थ्री लैम्डा बाय टू। तो पापियों सुनो, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ स्ट्रेट। अभी क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? नो एंटी नोड ड्रॉ कर रहा हूँ। एंटी नोड कहाँ पे? एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या है? एंटी नोड। फिर नेक्स्ट एंटी नोड कहाँ पे बोलो? लैम्डा बाय टू पे। फिर नेक्स्ट कहाँ पे है? लैम्डा पे। फिर नेक्स्ट कहाँ पे है? थ्री लैम्डा बाय टू पे। फिर नेक्स्ट कहाँ पे आएगा? फाइव लैम्डा बाय टू। याद आ रहा कुछ कुछ बोलो? ये सब क्या है? एंटी नोड। नोड कहाँ बनते थे बताओ? इतनी याददाश्त। लैम्डा बाय फोर अभी तुम्हें कराया था भाई साहब, ये देखो लैम्डा बाय फोर, थ्री लैम्डा बाय फोर, फाइव लैम्डा बाय फोर, दिख रहा है ये पापियों? यस सर। तो देखो लास्ट फाइव लैम्डा बाय टू, थोड़ी टू लैम्डा आएगा सर। ओ सॉरी, गलती से मिस्टेक, मैं भी ऑड करता रहा हूँ, सब कुछ आएगा इसमें। गुड, थैंक यू, ब्रेन लगा दे, अगला आएगा फाइव लैम्डा बाय। चलो कोई नहीं, अब देख बेटा यहाँ पे जो आएगा मेरे पास वो क्या आएगा? लैम्डा बाय फोर। यहाँ पे क्या आएगा? थ्री लैम्डा बाय फोर। यहाँ पे क्या आएगा? फाइव लैम्डा बाय फोर। यहाँ पे क्या आएगा? सेवन लैम्डा बाय फोर, एंड सो ऑन। यहाँ क्या आएगा? नाइन लैम्डा बाय। चमका भाई, तो ध्यान रखो दो एंटी के बीच में क्या आ रहा है? ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, इनके बीच में क्या आ रहा है? नोड। तो दो एंटी के बीच में एक नोड आएगा, या फिर देखो दो नोड के बीच में क्या आएगा? एक
एंटी नोड एंटी नोड तो याद रखना ठीक है, समझ में आया? बोलो। अब ये बताओ दो एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी है? लैम्डा बाय टू। गुड। और दो नोड के बीच दूरी? लैम्डा बाय फोर। क्या बक रही है? लैम्डा बाय टू ही। हाँ लैम्डा बाय टू ही था बेटा, ठीक है जी, क्योंकि देख ये दोनों इनकी दूरी निकालनी बेटा मानती है, तूने खुद ने बताया टू लैम्डा बाय फोर था तूने लास्ट टाइम में, लैम्डा बाय टू, ठीक है जी। तो अब मैं पूछ रहा हूँ बेटा आपसे कि डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड क्या हुआ? कॉमन सेंस बताओ कितना है? लैम्डा बाय फोर। लैम्डा बाय फोर आ गया बेटा, मानते हो? ये चीजें आपको याद होनी चाहिए ही चाहिए, क्लियर है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैं खुद ही सीख रहा हूँ भाई। ठीक है सर। ठीक है। अब बेटा देखो सुनो कहानी क्या है, सुनो कहानी ये है ये मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा नोड है, ये भी मेरा नोड है, तो दो नोड के बीच में जितने भी एलिमेंट है ना, ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है ऐसे, इसका एम्पलीट्यूड कितना? इतना सा। दूसरे वाले का भी इतना सा, तीसरे और बड़ा, चौथे वाले का और बड़ा, ऐसे नोड का सबसे ज्यादा, फिर ये ऐसे बेटा मानते हो सबका। तो जितने भी पार्टिकल है ना बेटा ये दो नोड के बीच में, जितने भी पार्टिकल हैं दो नोड के बीच में, वो सारे कैसे हैं? सेम फेज में। कैसे हैं सर? फेज क्या होता है तुम तो समझा ही नहीं पा रहे हो, सुनो दे बेटा सुनो, वीडियो देख पा रहे हो? यस सर। तो सुनो मुद्दे की बात क्या है, जो सारे पार्टिकल है ना, देख पहले वाले पार्टिकल इतना ऊपर जा रहा है, उससे ऊपर वाला मैक्सिमम इतना जाएगा, उससे ऊपर थोड़ा और जा रहा है, ठीक है, लेकिन सारे पार्टिकल इकट्ठे मीन पे आएंगे, सारे पार्टिकल अपने इकट्ठे कहाँ जाएंगे? एक्सट्रीम पे, लेकिन हर एक का एक्सट्रीम अलग अलग बेटा, मानते हो? एंटी नोड वाले का 2a है, ठीक है, बाकी नोड वाले का 0 है, उसका थोड़ा a बाई 2 a ऐसे वाले होंगे, लेकिन देखो सारे इकट्ठे मीन पे आएंगे, सारे इकट्ठे अपने अपने एक्सट्रीम पे। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। आ गया सर। तो जैसे तुम्हारे वो होता है ना, कौन सी मूवी थी वो, जय वीरू शोले, हाँ जय वीरू में होते हैं कि साथ जियेंगे साथ मरेंगे वाला फंडा, तो सारे पार्टिकल इकट्ठे मीन पोजीशन पे आ रहे हैं, सारे पार्टिकल अपने इकट्ठे कहाँ पे जा रहे हैं? एक्सट्रीम पे, हालांकि अलग अलग है सबकी एक्सट्रीम पोजीशन, और सारे पार्टिकल नीचे एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, तो दे आर इन सेम फेज। चमका? यस सर। ठीक है। अब जो इससे अपोजिट वाले हैं बेटा, यहाँ वाले जो होंगे बेटा, वो भी क्या कर रहे हैं? ये जो है ये भी सारे कैसे हैं? सेम फेज बेटा, मानते हो? यस सर। लेकिन जो ये जो हाफ है, ये फर्स्ट हाफ दिख रहा है ना, इसमें सारे ऊपर जा रहे हैं ना, तो इस हाफ में सेकंड हाफ में, ये फर्स्ट हाफ बोल रहा हूं मैं, और ये क्या बोल रहा हूं मैं, सेकंड हाफ बोल रहा हूं। तो अगर फर्स्ट हाफ के प्राणी ऊपर जा रहे हैं तो सेकंड हाफ के कहां जा रहे हैं? नीचे जाएंगे, ध्यान रखना। समझ में आ गया? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। आ गया सर। तो जो फर्स्ट हाफ के सारे प्राणी कैसे हैं? सेम फेज में। सेकंड हाफ के सारे प्राणी कैसे हैं? सेम फेज में। लेकिन फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ आपस में कैसे हैं? अपोजिट फेज में। कैसे हैं? जैसे तुम्हारी क्लास में बच्चे नहीं है, आधे बच्चे कहते हैं कि हाँ हमें हमें ये चाहिए, प्ले चाहिए, आधे बच्चे कहते हैं नहीं चाहिए, तो वैसे तुम बिल्कुल एंटी हो बेसिकली। समझ में आ गया? यस सर। तो ये कहानी है किसकी? नोड एंटी नोड और किसकी बेटा, बोलो स्टेशनरी वेव। समझ में आया कुछ कुछ की स्टेशनरी वेव होती क्या है? अगर मैं पूछ ले स्टेशनरी वेव क्या होती है, तुम क्या बोलोगे? बोलो।
भाई दो वेव आ रही हैं जिनका क्या क्या सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है बेटा, मानते हो फ्रीक्वेंसी और स्पीड भी सेम है, वो आके मिलती हैं, मिलने पे क्या प्रोड्यूस होती है, लेकिन डायरेक्शन कैसी होती है इनकी, अपोजिट। जब वो मिलती हैं तो क्या बनती है, स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव में होता क्या है बेटा, कि एनर्जी कन्फाइंड रहती है रीजन के बीच में, कहाँ कन्फाइंड रहती है, दो नोड के बीच में, ठीक है जी। कुछ तो क्या करते हैं, कुछ पार्टिकल क्या करते हैं, एसएचएम करते हैं, मतलब कुछ पार्टिकल रेस्ट पे रहते हैं, ये वाले नोड वाले कैसे रहेंगे, रेस्ट पे रहेंगे, बाकी पार्टिकल क्या करेंगे, एसएचएम करेंगे। क्या सबका एम्पलीट्यूड सेम है, नहीं है, किसी का जीरो है, किसी का टू ए है, किसी का ए बाई टू, किसी का सब ठीक है, लेकिन सारे पार्टिकल कर कैसे रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं, ठीक है, साथ जिएंगे मरेंगे। दो नोड के जो पार्टिकल हैं वो कैसे हैं, सेम फेज में, ठीक है। अगले वाले जो होंगे, नेक्स्ट वाले, वो भी सेम फेज में, लेकिन आपस में कैसे होंगे, वो अपोजिट फेज में। कहानी समझ में आई, नोड कहाँ कहाँ बनते हैं, एंटी नोड कहाँ कहाँ बनते हैं, बोलो भाई, पिक्चर क्लियर है या नहीं है। चलो स्क्रीन गायब होगी मेरे को भाई, क्या होगा, चलो। अब बेटा ये होगी कहानी किसकी, स्टेशनरी वेव की, ठीक है। इसमें इतना तुम्हें आ गया तो बहुत है, मैथ्स में दिक्कत तो नहीं है, बोलो जो मैंने ग्राफ रूप बनाया, मैथ्स दिक्कत तो नहीं है कोई इसमें, बोलो कैसे सोल्यूशन निकाले, यहां तुम्हें दिक्कत आई होगी खाली साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में ना, मुझे लगा तुम्हें आता होगा, चलो कोई बात नहीं, बस ये याद रख लेना कि इन दोनों का सम जो आता है वो क्या आता है, टू साइन ए कॉस बी आता है, ठीक है। बालकों बोलो, पापियों, अरे आज जो पढ़ाया समझ में आया कि प्राण निकल गए। चलो फिर मिलते हैं आपसे 6 बजे, ठीक है। रिवीजन में तो कराओगे सर दोबारा स्कूल में, अरे स्कूल तो खुले भाई पहले सर खुल जाएंगे सर, आप हवन करो सर, हवन तो तू आजा मेरे पास कर लेंगे, ठीक है। 6 बजे क्या है, 6 बजे जिसको इंट देना दे दिया, ठीक है, 5 बजे बोला, 6 बजे, ठीक है।